हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आपका अपना नित्य निश्चल, मेरा नाम है नित्य, मेरा निकनेम है, और आप देख रहे हैं द इंडियन गिटारिस्ट चैनल, और नित्य म्यूजिक भी मेरा लेबल है। ओह माय गॉड, ज्यादा हो गया कुछ। तो आज हम कौन से सॉन्ग की डिकंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। बहुत ही चल चुका है सॉन्ग का नाम है पानी पानी। गाना लिखा बड़ा तरीके से हुआ है, पता नहीं सैया ने कैसे देखा है कि लड़की पानी पानी हो गई। उसको पता होगा उसने कैसे देखा है। हमारा काम है म्यूजिक बनाना, तो म्यूजिक पे फोकस रखेंगे, गलत बातों पे हम फोकस नहीं करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि मैं FLP जो है फ्री प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे जो सोशल लिंक्स हैं इंस्टाग्राम पे जाके, वहाँ पे मुझे आप DM कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके वहाँ पे मुझे DM कीजिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, थैंक यू सो मच। चलिए आइए फिर स्क्रीन पे चलते हैं और हम शुरू करते हैं डिकंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब से उठाया है एकापेला, उसको हम सुन लेते हैं। ये पड़ा हुआ है, उसने मुझे छुआ भी नहीं, ऐसा वैसा कुछ हुआ भी नहीं। सो ये है हमारा एकापेला सॉन्ग, जो है वो बहुत ही कम में बना हुआ है, ज़्यादा ट्रैक्स नहीं है इसमें। तो सबसे पहले इसमें जो बजी है वो है सरंगी, उसको सुनेंगे सरंगी कैसे बजे हुए। अभी शायद स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो मैं आपको इसका पैटर्न दिखा रहा हूँ। मैंने इसको अलग से रेंडर करके रखा हुआ है, आप देख लीजिए एक बार। पैटर्न ये है, ठीक है, यहीं से MIDI से बनाई हुई है। तो आपको इसका मैं पैटर्न सुना देता हूँ कैसे साउंड करेगा। ये है हमारी सरंगी, इस पर हमने एक क्रैश की ट्रांजिशन लगाई हुई है, उसको देखते हो कैसे साउंड करेगी। राइट, तो बहुत ही सही साउंड किया इसने। उसके हम देखते हैं पीछे हल्की सी पैनिंग में, लेफ्ट राइट में ना एक हल्के सी फ्लूट की आवाज़ दे रही है। एग्जैक्ट वो फ्लूट नहीं है, समथिंग एस कुछ फ्लूट जैसा है, तो मैंने उसके लिए कुछ ऐसा सॉन्ग बनाया। सो ये हमारा जो है फ्लूट से मैच करता सॉन्ग था। बीच में एक वाटर ड्रॉप पड़ा हुआ है जो हुक से पहले आता है, वो देखते हैं। तो ये रहा हमारा वाटर ड्रॉप, और सॉन्ग स्टार्ट होने से पहले कुछ पड़ा हुआ है रिवर्स वोकल, वो हम देखते हैं। ओके, सो अब हमारे हम परकशन सुनते हैं, ड्रम सुनते हैं, ड्रम कैसा बज रहा है। ठीक है, मैं एक एक करके एक एक ट्रैक को प्ले करता जाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि पहले क्या बजा हुआ, इसमें क्या। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको सुना रहा हूँ किक, तो ये किक का साउंड दिखा रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, किक को हल्का सा पंच देने के लिए मैंने इसमें हल्का सा मूडी बेस किक ऐड किया है, उसका साउंड ऐसा है समथिंग। ये इंडियन परकशन का कोई साउंड है, तो किक को हल्का सा वो राजस्थानी ड्रम के किक का बेस देने के लिए, उसका एक टेक्सचर देने के लिए हमने ये ऐड किया। तो किक का साउंड थोड़ा सा भर के आएगा, कैसे आएगा वो देखते हैं। बहुत फर्क पड़ा साउंड का, और हम देखते हैं हमने जो हमारी 808 है वो कैसे साउंड कर रही है पैटर्न में जाके।
का जो है हमारा एक प्रकर्शन का और इंस्ट्रूमेंट लगा है, वो किक के साथ कैसे लगा मैं आपको वो सुनाता हूँ। पहले इसका साउंड सुन लीजिए, कुछ ही ऐसा साउंड कर रहा है। किक के साथ सुनते हैं इसको, अच्छा साउंड कर रहा है। इसके बाद हमने एक क्लैप लगा रखी है, क्लैप का साउंड सुनते हैं पहले। अब पूरा सुनते हैं, क्लैप के साथ हमने हल्की सी छोटी स्नेयर लगा रखी है, उसका साउंड सुनते हैं एक बार। इससे क्लैप की आवाज थोड़ी सी अच्छी सुनेगी आपको। और जो पहली प्रकर्शन थी उसके साथ हमने लगा रखा है एक और प्रकर्शन, जैसे मैंने पहले किक में थोड़ा सा भरने के लिए उसको इंडियन की कोई प्रकर्शन बेस यूज की थी, वैसे इसको मैंने थोड़ा सा भरने के लिए साउंड को एक सब यूज किया है ये वाला। अगर तो आप हेडफोन में सुन रहे होंगे तो आपको एक क्लियर सुनेगा कि ये कैसा साउंड दे रहा है सबका। इसको इसके से सुनते हैं, और एक मैंने जो है लूप यूज किए हैं शेकिंग के, क्रैकल्स कहते हैं इसको, ये जो क्रैकल्स के लूप है उसके साथ शेकर्स भी यूज किए हुए हैं। और एक टैंबोरिन यूज किया, अब हम सिर्फ ड्रम पार्ट सुनते हैं। सो लो गाइस, इतना ही था, इतने ही ट्रैक्स यूज किए मैंने, कुछ और भी हो सकता है, सबके जो सुनने की जो अलग अलग है। तो मैंने मेरे को जो जो चीज़ें सुनी मैंने वो डाल दी, तो मैंने ये अभी बनाया है। तो हम पूरा एक बार ट्रैक सुन के देखते कि कैसा साउंड कर रहा है। शुरू से लगाते हैं, इतना ही था जो हमारा आज का डीकंस्ट्रक्शन पानी पानी सॉन्ग का। तो अगर आपको किसी भी सॉन्ग का या किसी भी वेब सीरीज़ के म्यूज़िक का डीकंस्ट्रक्शन चाहिए होगा तो उसी टाइम कमेंट करके मुझे बताइए कि मुझे इस चीज़ का चाहिए, मुझे इस चीज़ का चाहिए। ठीक है, अगर आप स्टार्ट करोगे कब तब भी बाकी लोग कमेंट करना शुरू करेंगे, तो मुझे बताना कि आप किस किस को, आपको जो भी फ्रेशर्स हैं जो भी बेसिक सीख रहे हैं उनको कोई लेसन भी चाहिए कि मुझे ये टॉपिक सिखाओ, मुझे वो टॉपिक सिखाओ, तो मैं हर एक चीज़ आपको सिखाऊंगा यूट्यूब पे। तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, ठीक है, और मेरे चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।